वीडियो में मैं आपको तीन टिप्स दूंगा और साथ ही साथ इन तीन टिप्स में उन तीन गलतियों की भी बात करूंगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते समय यूजुअली लोग दोहराते हैं और लोग करते हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये तीनों टिप्स और ये तीनों मिस्टेक्स, टिप्स आपको फॉलो करनी है और मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो मैं हूं ऋषभ गौतम, आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिप नंबर वन या गलती नंबर वन, पहले टिप के बारे में बताता हूं फिर बताता हूं कि इसमें गलती क्या है। दिल तो बच्चा है जी, ये थोड़ा फिल्मी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्यों कहा दिल तो बच्चा है जी। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए यानी कि मैनिफेस्ट करने के लिए, तो होता क्या है, आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो कई बार और सारी दिशाओं में भागने लगता है, जाने लगता है। और ये अच्छी बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं थी, अच्छे 5000 साल पहले भी एक प्रॉब्लम हुई थी। तब श्री कृष्ण ने इस बारे में एक श्लोक कहा था भगवद गीता से, वो मैं आपको बता देता हूं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजातात्मा जितेन्द्रयः सर्वभूतात भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते। अर्थात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस इंसान ने अपने मन पे काबू पा लिया, अपनी जितेंद्रियों पे काबू पा लिया, यानी कि अर्जुन तुम अपने मन पे काबू पाओ, जितेंद्रियों पे काबू पाओ, तो तुम इस युद्ध को भी जीत लोगे और साथ साथ जीवन में आने वाली हर परेशानी को, हर चीज को, तकलीफ को जीत लोगे और जो तुम करना चाहते हो उसे हासिल कर पाओगे। अब जब ऐसी चीज हुई, अब एक सवाल मेरे मन में तो आया था, शायद आपके मन में भी आया होगा कि सर प्रॉब्लम तो पता है कि मन पे काबू नहीं है, टिप भी है, अब टिप्स में आपको बताता हूं ये प्रॉब्लम होगी कि मन पे तो काबू नहीं हो रहा है। तो अर्जुन के दिमाग में भी आया था, अर्जुन ने सामने सवाल पूछ लिया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्रढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवीसु दुष्टकरम। मतलब के हे कृष्ण, मन पे, मन बड़ा ही चंचल है, मन पे काबू पाना इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल है वायु को यानी कि हवा को अपने हाथ में थाम के रखना। सामने सवाल तो आ गया जो आपके मन में आ रहा है कि सर ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कैसे करें, यानी कि पहली टिप है कि आपको मन पे काबू रखना है। अब मन पे काबू कैसे रखेंगे, उसके लिए भी हम भगवत गीता का ही सहारा ले लेते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं भगवत गीता के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि कोई भी सेल्फ हेल्प बुक आप रीड करें उससे पहले श्रीमद् भगवत गीता आप रीड करें, जरूर करें, बहुत फायदेकारक चीज है। तो कृष्ण ने जवाब दिया, यतो यतो निश्वरति मनश्चलम स्थिरम ततस्ततो निम्यते दातमन्ये वशम नयेत। मतलब के हे पार्थ, जो इंसान अपने मन पे काबू पा लेता है और मन पे काबू पाने के लिए जो कर्म तुम्हें करना है, अगर उस कर्म पे तुम फोकस करोगे, अपना फोकस और जगह से हटा के, तो ये मन पे भी काबू तुम पा सकोगे। या ये मन को जो तुम कह रहे हो कंट्रोल कैसे करो, कंट्रोल नहीं, तुम जैसे चाहोगे वैसे चला सकोगे। तो ये थी आपकी टिप नंबर वन और प्रॉब्लम नंबर वन, कि जो मतलब मिस्टेक आपको नहीं करनी है, और जो टिप है वो ये है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है या हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत सारी अलग अलग जगह भागने लगता है कि ये करें, अच्छा ये मैनिफेस्ट है, यहां से कर लूं, चलो ये टेक्निक यूज कर लेता हूं, नहीं 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 एक काम करता हूं सुबह कर लेता हूं, रात को तो लेट हो जाएगा। तो ये जो आपका मन भाग रहा है यहां वहां भाग रहा है, इसको पकड़ के साइड पर रखो और फोकस करो जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप फोकस कर लो, देखो प्रॉब्लम वन तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी नंबर टिप वन। अब हम जाते हैं टिप नंबर दो पे। अब जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक नेगेटिव दूंगा और एक पॉजिटिव दूंगा टिप नंबर दो के लिए, मिस्टेक नंबर दो के लिए। तो पहले काम करते हैं नेगेटिव एग्जांपल दे देते हैं। अब अगर आप सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इसे जस्ट एग्जांपल समझिएगा। समझिए आपने आज रात एक सिगरेट पी ली, स्मोकिंग कल्चर, सिगरेट ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आज आपने एक बर्गर खा लिया,
और कल सुबह उठते ही आपका 10 किलो वेट बढ़ गया। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या जिंदगी में कभी बर्गर खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये नेगेटिव एग्जांपल था। अब मैं थोड़ा पॉजिटिव एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। आज आप जिम जा रहे हैं वर्कआउट करने आपकी हेल्थ को थोड़ी बेहतर बनाने के लिए, और आज का दिन आपने जिम कर लिया और कल सुबह उठते ही ओवरनाइट आपकी बहुत अच्छी फिजिक्स बन गई, आपकी बहुत अच्छी एक बोलते ना सिक्स पैक बॉडी बन गई, कैसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी चीज को वक्त लगता है, समय लगता है, हमें समय देना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेकेंड टिप और सेकेंड मिस्टेक ये है, पहले बता देता हूं मिस्टेक क्या है। आप किसी चीज को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऑल राइट, आप कर रहे हैं, आपने एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, चौथे दिन थक के या फिर किसी और रीजन से उसे छोड़ दिया, अगर ऐसा होगा तो ये चीज आपके लिए नहीं बनी भैया, मत कीजिए प्लीज। लेकिन अब इसमें टिप की बात ये है कि सब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है, क्यों मैं ये इसको सेकंड टिप के सेकंड टिप बनाकर आपको बता रहा हूं। देखिए, आप जब मैनिफेस्टेशन करते हैं यानी कि विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग्स, जो एनर्जी जाती है, यानी कि जब अच्छा अच्छा सोचते हैं जो चीज आपको चाहिए, जैसे मैं विजुअलाइजेशन में बता चुका हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ब्रीफ वीडियो अलग से बना दूंगा, प्लीज कमेंट में बताइएगा अगर आप वो वीडियो चाहते हैं। तो अभी टॉपिक पे रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को वो जो फीलिंग है जब आप विजुलाइज कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आप करना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब उस चीज के बारे में आप सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को वो जो फीलिंग है वो अच्छी लगती है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये फीलिंग की आदत डलवानी है। जब तक आप ये आदत उसे नहीं डलवाएंगे, तब तक मैनिफेस्टेशन में जो दिक्कतें हैं कि नहीं हो पा रहा सर, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, तो वो नहीं ही हो पाएगा। आपको ये चीज एक दिन या दो दिन के लिए नहीं करनी है, ये चीज आपको मिनिमम 21 डेज तक करनी है। आप 21 डेज तक करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि 21 डेज ही क्यों सर? अगर साइंस की थोड़ी सी बात करूं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जैसे कि आप किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हैं, तो एक सर्वे के मुताबिक, साइंस के मुताबिक ये चीज प्रूवन है कि 21 दिनों में उस चीज की आपको आदत बन जाती है, आदत हो जाती है करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं सेकंड टिप आपके लिए ये रहेगी कि आपको ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस टेक्निक को 21 डेज तक रेगुलरली करना है विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। चलो सेकंड टिप के रिगार्डिंग में बहुत अच्छा सा एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने यही 21 डेज की बात मेरे एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं उनके सामने रखी थी। तो वहां पे एक स्टूडेंट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, सर अगर 21 डेज वाली बात सही है तो फिर जो स्कूल जाते हुए छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रोते क्यों हैं? वो तो डेली स्कूल जाते हैं ना। इससे मैं ये बताना चाहता हूं, पहले तो ये बता देता हूं बच्चे रोते क्यों हैं, उन्हें तो आदत हो जानी चाहिए क्योंकि वो तो रोज स्कूल जाते हैं। देखिए, रोज स्कूल जाते हैं लेकिन बीच में एक संडे आता है जहां पे आपका रूटीन ब्रेक हो जाता है। मैं वही बता रहा हूं, मैनिफेस्टेशन में आप संडे मत लाइएगा बीच में। आपको 21 दिन बिना एक दिन भी स्किप किए ये चीज करनी है। तो ये थी टिप नंबर 2। क्या था? नॉन स्टॉप 21 डेज तक बिना किसी रुकावट के आपको इसे करना है। और इसी टिप में जो छुपी हुई गलती है वो यही है कि लोग इसे कंटिन्यूसली नहीं करते, तो इस चीज को आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 के लिए, या मिस्टेक नंबर 3 के लिए। हाउ, व्हेन एंड वेयर, इन तीनों चीजों का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब मैनिफेस्टेशन में पहले मैं बता देता हूं गलती क्या है। आपने विजुलाइजेशन कर लिया, आपने 21 दिन फॉलो भी कर लिया, सब चीज रेडी है, सब चीज बढ़िया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नहीं की, नहीं एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए थी बट आपने की, वो थी हाउ, व्हेन और वेयर। अब मैं इसे थोड़ा डीपली बता देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं क्या मतलब है इस चीज का। जब आप मैनिफेस्टेशन ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, यानी कि 15 या 20 मिनट के बाद अब जब रियलिटी में आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए कि मुझे इतने पैसे, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिल जाना चाहिए,
तो जो गलती वहां पे होती है कि 15 या 20 मिनट के बाद या समझ लीजिए 1 घंटे के बाद ये 3 क्वेश्चन आपके कॉन्शियस माइंड में ट्रिगर करते हैं, हाउ व्हेन वेयर। जैसे कि हाउ आई विल गेट दिस मनी, अरे मेरे पास कैसे आएंगे ये पैसे, मेरे पास कब आएंगे ये पैसे, मेरे पास कैसे आएंगे ये पैसे। ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाते हो कि ये कैसे होगा, तो आपका दिमाग, जैसे मैंने बताया कि आपका दिमाग और सारी जगह भागने लगता है, आपका जो फोकस है वो वहां से हट जाता है, जो चीज है वहां से हट जाएगा और सारी जगह भागने लगेगा कि ये कैसे होगा। जब आपके दिमाग में ये सारे सवाल आने लगते हैं कि ये चीज कैसे होगी, तब आप ट्रिगर करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन को, आप डाउट्स करते हैं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो फिर ये कैसे वर्क करेगा। यही तो जादू है मैनिफेस्टेशन का, यही तो जादू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन उसके लिए तीसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अवॉइड कीजिए ये पूछना कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका लुकआउट नहीं है कि ये चीज कैसे होगी। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें कैसे होंगी। आपको बस ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के, जो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, उन टेक्निक को इस्तेमाल करना है। और आज जो ये 3 टिप्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं, इन 3 टिप्स का इस्तेमाल करना है और फिर देखिए जादू होता है या नहीं होता। अब ये थर्ड मिस्टेक जो मैंने आपको बताई कि क्या चीज आपको नहीं करनी है, अभी जो मेरे टिप्स है, टिप्स ये है कि जब ये ट्रिगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, जब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं हाउ व्हेन और वेयर के, तो आपको इस चीज को ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा कब होगा। आपको खुद को एक अफर्मेशन देना है। आप अगर खुद से एक चीज बोलना सीख गए, और ये 1 दिन में नहीं होगा, ये सारे टिप्स, ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको ये 1 दिन में नहीं करना है। आपको अगर ये प्रॉब्लम, ये चीज दिमाग में आ गई कि ये कैसे होगा, तो सामने आपको खुद से बस एक चीज कहनी है, हो जाएगा, कैसे होगा आई डोंट नो बट हो जाएगा। बस ये कहना अगर आप सीख गए, तो मेरी ये गारंटी है, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, यू विल सी दैट बिगिन इनटू योर रियलिटी, इनटू योर रियल लाइफ। तो आई होप आज की जो मैंने आपको 3 टिप्स और टिप्स में छुपी हुई मिस्टेक्स के बारे में बताया है, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन या डाउट्स रह जाते हैं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे समझ में आए, उसके रिगार्डिंग में कोई सॉल्यूशन वाली फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने ला सकूं, आपकी मदद कर सकूं। तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किस किस टॉपिक की आज बात की, क्या क्या चीजें आज क्लियर की। तो पहली चीज क्या थी, दिल तो बच्चा है जी, ये नहीं करना है। और क्या करना है मैं बता चुका हूं, एक बार ये भगवद गीता पढ़िए, बहुत हेल्पफुल है, आपको बहुत हेल्प होगी। दूसरी चीज, कोई भी चीज 1 दिन में नहीं हो जाती, ओवरनाइट नहीं होता है, टाइम लगता है और टाइम देना पड़ता है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज अवॉइड हाउ व्हेन वेयर। ये 3 चीज अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, यू विल हैव एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम। तो तब तक के लिए मैं ऋषभ गौतम आपसे आज्ञा लेता हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, आप लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है, थोड़ी मजा आती है, और मुझे अच्छा, मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको दूसरी वीडियो की तरफ से जो भी हेल्प है वो हेल्प प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए।